अभी बना तो कैमरे ये तो वीडियो जरूरत इंसान जरूरत इमाम फितरत इंसान में शामिल है, नसर फितरत इंसान में शामिल है। उमर इमाम हुसैन ने बहुत बड़ा दावा है और दावा जो है दलील का मोहताज होता है। नबी मोहताज इमामत है, मैंने बहुत बड़ी बात की है। मैं वो दावा नहीं होता जिस पर दलील न हो, यानी अगर नबी के पास भी वसी मौजूद न हो, अगर आप सबका अंबिया की तारीफ उठाकर देखें तो हर नबी के साथ वसी है, तो हमारे नबी के साथ भी कुरान से बड़ी कोई दलील जमाने में नहीं है।
आज बरमूडा क्या है, एक बड़ी एक मामला आज बरमूडा चला हुआ है, आज क्या नहीं बल्कि शुरू से ही ऐसा मामला है कि बाद अफराद तारीख की बातों में इस कदर इख्तलाफ करते हैं कि जीने मरने का मामला हो जाता है। बात तारीख की होती है और तारीख की बात की बुनियाद पर किसी को यह मुकसर कहा जा रहा है और किसी को मोमिन कहा जा रहा है, किसी को गाली कहा जा रहा है। हालांकि उसका ताल्लुक कुरान से नहीं है, उस बात का ताल्लुक हदीस से भी नहीं है, उसका ताल्लुक तारीख से है। यहाँ पर मौलाना आए नंबर पर ये मैं अर्ज कर दूं कि कोई बंदा इसको जाती तौर पर ला ले, ये मैं कुछ दलायल की रोशनी में आप लोगों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर इस नंबर से कोई बात हो और उस बात का ताल्लुक तारीख से हो तो इस बात पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तारीख कुरान नहीं है। तारीख ऐसी से है कि आप पर वाजिब नहीं है कि उस तारीख पर मुदस्सर कहना कि कहां का इंसाफ है। और फरमाए इख्तलाफात किताबों में मौजूद है और बिलखसूस तारीख, मैं इस मुद्दे से पूरी जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, तारीख इस्लाम में 50% से ज्यादा झूठ है, 50% से ज्यादा झूठ है, गलत बयान की गई है तारीख में। मैं इसके लिए छोटी सी मिसाल देता हूं कि तारीख इस्लाम कितनी 1400 साल का मामला है, 1400 साल पहले एक चीज वाक्य हुई और आज हम बयान करते हैं, और अगर दो लोग बयान करें तो एक दूसरे अंदाज में बयान करता है, दूसरा दूसरे अंदाज में बयान करता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, ये आज इस सदी इस जमाने की बात है, इस दौर की बात है, आज से कुछ साल पहले हजरत उसामा बिन लादेन को दुनिया से रुखसत कर दिया और यहां की गवर्नमेंट ने दावा किया कि उसे हमने मार दिया है और उसे समंदर बुर्ज कर दिया। ऐसे है या नहीं? परेशान होने की बात नहीं है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे कोई परेशानी हो। एक तारीखी बात है, हालात याद रखिए, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तारीख क्या है और हमारा इस पर कितना ईमान लाना जरूरी है। ये वाक्य कितने साल पहले का है? चंद साल पहले, मगर इसी मुल्क से एक फर्द रूस जाता है और जाकर कहता है कि वो मारा भी नहीं गया, वो जिंदा है, मैं उसका घर भी जानता हूं, घर के पता भी जानता हूं और उसे क्या काम लिया जा रहा है वो भी जानता हूं। आप उठाए अखबार, आपको ये सारे हकायक मिल जाएंगे बड़े आसानी से, ये ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है। एंड उसका ये दावा है जिसको रशिया में पनाह दी गई है, उसने बहुत सारे चीजें लीक की हैं, उनमें से एक चीज ये है कि वो ये कहता है, उसका ये दावा है कि उसको मारा नहीं गया बल्कि वो जिंदा है, वो जॉब कर रहा है, उसे तनख्वाह दी जा रही है और उसका घर है वगैरह वगैरह। अब आप उन्हें ईमानदारी से बताएं आप किसकी बात पर यकीन करेंगे? जब आप तक ये खबर पहुंचती है तो आप किसकी बात पर यकीन करेंगे? हजरत उमामा की बात पर यकीन करेंगे या उस बंदे की बात पर यकीन करेंगे जिसे रशिया ने बना दी? एक सवाल पैदा होता है ना, जब आपके सामने दो बातें आ गई हैं, अब एक बात पर आप ईमान लाएंगे तो किस बात पर लाएंगे? मुमकिन है आप ये कहें कि चूंकि जो हाकिम वक्त था उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो जिसकी हुकूमत है उसकी बात ज्यादा सही है, गौर फरमा रहे आप, जिसकी हुकूमत है उसकी बात। अब यहां पर अगर आप इल्म और रिजाल को ले आए, अगर यही बात आज से 200 साल बाद हमारा कोई बंदा, हमारा कोई इंसान, हमारे नस्लों में से कोई 200 साल बाद ये बात सुनेगा कि वहां उस वक्त दो बातें बयान की गई, एक उसे मार दिया गया, एक ये कि वो जिंदा रहा, तो अब वो किस बात पर यकीन करेगा? वो कहेगा कि जो हुकूमती सोर्स है उस बात पर अखबार कर लेते हैं, इसलिए कि हुकूमत सारे में अख्तियार होती है, उसके पास मुमकिन है नॉलेज ज्यादा, और ये भी मुमकिन है कि पॉलिसियों के तहत उस बात को छुपाया गया हो। अब यहां पर क्या इल्म और रिजाल लेकर आ पाएंगे? देखेंगे कि
वो ओबामा साहब जो है वो मोमिन है या वो मोमिन है, वो भी शराब पीता है, वो भी शराब पीता है। तो किस बात को आप मयार बनाकर किसकी बात की तस्दीक करेंगे? जब ये चीज तारीख का हिस्सा बनेगी तो आपके पास मयार क्या है कि जिस मयार को मद्देनजर रखते हुए आप ये कहें कि फला सच्चा था या फला सच्चा था। ये आज के लोग की बात कर रहा हूं, अगर आज के लोग की बात में आप किसी एक बात की तारीफ नहीं कर सकते तो 1400 साल पहले वाले वाकई की आप किस तरह तस्दीक कर सकते हैं? वो फरमा रहे आगे नहीं फरमा रहे, तारीख तारीख है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है, मगर उस इख्तलाफ की बुनियाद पर कोई राय हतमी कायम नहीं की जा सकती। इसलिए कि तारीख हदीस नहीं है, तारीख कुरान नहीं है, यहां तक कि अगर हदीस भी हो, मामला अगर आप हदीस तक ले आए तो हदीस में भी मामला इसी तरह चला जाएगा कि अगर कोई रिवायत किसी इमाम के नाम से मंसूब हो और आज हम तक पहुंच जाए तो क्या उस पर आंखें बंद करके यकीन करने का काफी है? मैं आपके सामने एक नहीं सैकड़ों ऐसी अहादीस पेश कर सकता हूं, तालिबे इल्म हूं मगर पूरी तालिबे इल्म जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। उन अहादीस के मुताबिक आप के जो अकायद हैं वो बातें अकायद हैं, मगर रिश्वत इमाम की कौन से जो हमारी सही तरीन किताब है असूल काफी, उसमें हजारों की तादाद में रिवायात होने जो रही है, जो सही तरीन किताब है वो फरमा रहे आपको नहीं। तो या हदीस हो या तारीख हो, फकत एक किताब है जिसका नाम है कुरान, जिसमें जरा बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई शख्स इस कुरान की मुखालफत पर उतर आए, इस कुरान की मुखालफत पर कोई बात करे तो फिर उससे हिसाब किताब दिया जा सकता है। इसलिए कि कुरान के बारे में खुद अल्लाह ने चैलेंज किया है कि तुम इसको कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। वो फरमाए आपके हवाले में सलावत भी मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। तो तारीख हो या हदीस हो, हदीस के मामले में इल्म रिजाल की रोशनी में ऐसी बहुत सारी रिवायात हैं। मिसाल के तौर पर इल्म रिजाल के एक माहिर रिजाल किसी में उसको ठीक कहते हैं कि वो रावी सही था, और बाद में अब्दुल्ला कोई फरमाते हैं कि नहीं वो रावी सही था, वो रावी सही रावी जो है वो सही नहीं था, फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि आप तक मामला पहुंच गए हैं, आप किसी एक मुहक्किक की बात को सामने रखते हुए उस बात पर अपना यकीन बना सकते हैं कि ये बात मेरी अकल से ज्यादा करीब है, ये बात मेरे इदराक में ज्यादा से ज्यादा समा रही है। इसी तरह अगर आपको हदीस को भी समझना है तो अकल की रोशनी में समझेंगे कि हदीस सही है या गलत है। ऐसा नहीं है कि सारे जगह पर इमाम ने कह दिया, इमाम के नाम से मिल गई तो उस हदीस को मान लेंगे। अगर इस तरह से मानना है तो फिर हदीस में यह भी मिलता है कि अमीर मोमिनीन ने फला फला के पीछे नमाज पढ़ी है तो फिर क्या आप मान लेंगे? ऐसी रिवायात मिलती है जिनमें वुजू का वो भी तरीका है जो हमारे रसूल भाइयों का तरीका है तो क्या मान लेंगे? बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जो तकलीफ की हालत में इमाम ने फरमाई ताकि मोमिनों की जान महफूज रहे, और बाद में ये सिर्फ वही जानता है जिसे बताया गया। अब वो दुनिया से चला गया, उसने किसी को नहीं बताया कि मुझे इमाम ने तकलीफ की हालत में बात कही थी। अब जो आगे उसने रिवायत किया वो तो ये समझेगा कि इमाम ने कहा है, और फरमा रहे आगे कितने इसमें मामलात हैं। इतना आसान नहीं है जितना हम आसान समझ रहे हैं, मगर सिर्फ मकसूद मेरा बात करने का मतलब यह है कि तारीख को बुनियाद बनाकर किसी के बारे में गाली और मुकसर की राय कायम ना की जाए। एक वाकया है, तारीख का वाकया है, सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं जो उस मेंबर से बयान होते हैं। एक हदीस कोई बात करता है, दूसरे मौलाना कोई बात करते हैं, एक वाकया होता है मगर मुख्तलिफ लिहाज से पेश किया जाता है। वजह क्या है? किताबों में हमें दोनों बातें मिलती हैं। तो क्या एक मौलाना अगर बात करके गए हैं और दूसरे उसकी दूसरी तरह से बात करके गए हैं तो क्या इस पर मौलाना की गिरफ्त होनी चाहिए? एक सवाल पैदा होता है, बात तारीख की है। मिसाल के तौर पर
क्योंकि मेरे सामने कुछ सवाल आए हैं, इसलिए भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। हजरत कासिम के अकल का मामला, आजकल कुछ वीडियो जो है वो वायरल हो रही है इस हवाले से, और कुछ साहबान ये कहते हुए नजर आते हैं कि हजरत कासिम की करेक्टर असैसिनेशन है। ये लोग कहते हैं कि हजरत कासिम का अकल जो है जनाब फातिमा से हुआ है। मैं नारे कर बदाम में मैं थोड़ा सा हवाला देता चलूं। पहली बात तो ये है कि मकातिल का ताल्लुक भी तारीख से है, उन लोगों से रिवायात नहीं है जो इमाम के हत्ता मुकाबले में थे। जो मैदान कर्बला में ऐसे लोगों से भी रिवायात होती है जो इमाम के फौज में शामिल नहीं थे बल्कि दुश्मनान में शामिल थे, मगर हम उन्हें बयान करते हैं इसलिए कि इमाम की मजलूमियत की बात है। पहला उनसर यह देखना चाहिए कि क्या उसमें तो हीने इमाम तो नहीं है, क्या उसमें तो हीने अहले बैत तो नहीं है। इसी तरह अगर फजाइल अहले बैत पढ़े जाए तो फकत ये ना कहा जाए मौलाना किस मुस्तनद किताब में लिखा हुआ है, भाई आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आप फरमा रहे हैं किस मुस्तनद किताब में लिखा हुआ, किताब तो कोई मुस्तनद है ही नहीं, मुस्तनद तो फकत कुरान है। और अगर किसी किताब का हवाला है, देखिए कितनी ऐसी किताबें हैं जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अदवार में जला दी गई। अब लिखने वाले एक आलिम ने उस वक्त में एक किताब से बात पढ़ी, उसे आगे नकल कर दिया, मगर बाद में उस किताब को जला दिया गया। तो क्या आप ये कहा जाए कि क्योंकि एक फर्द ने यह बात लिखी है तो ये काबिल तस्दीक नहीं है? इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि तुम हमारे बारे में जितना फजाइल बयान कर सकते हो तो कुल जिम्मेदारी से बात करो, असूल काफ में ये रिवायत है, जितने फजाइल बयान कर सकते हो करो मगर हमें खुदा ना बनाओ, हमें इलाह मत बनाओ, ये मत कहो कि हम रब हैं, इसलिए कि रब फकत परवरदिगार है, इलाह फकत अल्लाह की जात है। और अगर आपके सामने कोई फजाइल बयान किए जाए अगर उनमें तो हीन का अंसर ना हो, तो हीन अहले बैत ना हो, तो उसमें शक मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, कुरान में अल्लाह कहता है इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह वली आयत, इसी आयत का अगला हिस्सा है فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, अगर तुम किसी शय में इख्तलाफ पाओ तो ये मत कहो कि ये शय गलत है बल्कि उसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटा दो। देखना हमें यह है कि क्या उन फजाइल को बयान करते हुए उसमें कोई तोहीन तो नहीं है, यह बात बिल्कुल हकायक के मराती तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कहे कि मौला अली काबे में पैदा नहीं हुए तो ये एक ऐसी बात है तो रोशन की तरह है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता, दोनों तरफ से लातादाद रिवायात मौजूद है। इसी तरह फजाइल मासूम हो या मकातिल हो या आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की औलादों का तज़किरा हो, मैं आज ही चुके कभी मुझसे सवाल किया गया तो उसके बाद पर काफी देर में इसी मामले में तहकीक करता रहा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटियों के मामले कि एक बेटी का अकल बाल खराब कहते हैं कि हजरत फातिमा कुबरा से हुआ, मगर रिवायात को मिलता है कि इमाम हुसैन बाल दिखते हैं कि दो बेटियां थी, बाल दिखते हैं कि तीन बेटियां थी, बाल दिखते हैं कि चार बेटियां थी, बाल कहते हैं रिवायत है इमाम का फरमान है कि इमाम हुसैन ने फरमाया अल्लाह मुझे जितनी बेटियां देता मैं सबका नाम फातिमा रखता। वो फरमा रहे एक में नाम जैनब भी मिलता है, एक में फातिमा कुबरा है, फातिमा सुगरा है, फातिमा औसत है, मुख्तलिफ रिवायात है। अब यहाँ पर जिस जनाब कासिम का मामला है, देखिए अगर ये सारी इख्तलाफी बातें, मैं आज दर्द दिल है इसलिए आप यहाँ पर, अगर ये सारी बातें मिंबर से बयान होने लगे तो मुझे आप ईमानदारी से बताइए क्या मोमिन रोएगा या बैठ के सोचना शुरू कर देगा कि ये बात सही है या वो बात सही है? वो बजाय रोने के इमाम हुसैन पर वो तो ये सोचने में बैठ जाएगा कि मौला की बेटियां कितनी हैं, भाई मौला की बेटियां तीन हैं या चार हैं, आप तो इससे गर्व नहीं होने चाहिए, ये देखें कि नाउजुबिल्लाह अगर मौला की बेटी की बात हो रही तो कुछ तोहीन तो नहीं हो रही, गौर फरमा रहे आपने नहीं, नहीं ये मकातिल है, ये तारीख है, तारीख को कुरान मत बनाइए। तो उलमा की नजीक जो शायद जितनी मुतबर होती है वो मिंबर से बयान कर देते हैं। जनाब कासिम के अंदर का मामला, अब अगर देखिए आज से कितने साल पहले ये बात जो है जेर बहस आई है,
مگر آج جب سے یہ بات زیر بحث آئی ہے، اب جب ہم جناب قاسم کے مسائل پڑھ رہے ہیں تو سننے والا پہلے اس بات پر تحقیق کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ بات ہی تو بات سے ہی غور فرما رہے ہیں، مسائل محمد و آل محمد، مقاتل کا معاملہ ہے، تاریخ کا معاملہ ہے، تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ واقعہ کربلا ہوا ہے۔ اب واقعہ کربلا میں کیا کیا ہوا ہے، امام فرماتے ہیں، سجاد فرماتے ہیں، کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو ہم اہل بیت پر نہ ہوا ہو۔ مجھے کتنے ایسے مظالم ہیں جو کتابوں میں درج نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی شے کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس شے کو وجود نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کے علم میں وہ بات نہ ہوا۔ اب جب جناب قاسم گیکر کا نام آیت اللہ شاہ شہرودی، موجودہ وقت کے آیت اللہ العظمیٰ ہیں، انہوں نے اس پر پورا ایک تحقیقی مکالمہ لکھا ہے، 19 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے کہ جناب امام حسین نے امام حسن کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جناب قاسم کا اگر اپنی ایک بیٹی سے کیا گیا۔ 19 کتابوں کا حوالہ میں ممبر امام حسین پر بیٹھا ہوں، آپ مجھے بعد میں ملے، میں آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ تو جس بندے نے اس بات کو کریکٹر ایسوسیشن کہہ کر بیان کیا ہے، اس نے دین کی خدمت کی ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اس نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے معاملے میں دین کی خدمت کی ہے یا ظلم کیا ہے؟ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو بہت مختلف ہیں، ایک مکتب کی کتاب میں کچھ ملے گا، دوسری میں کچھ ملے گا، جن علماء کو جو بات اتنی صحیح نظر آئے انہوں نے بیان کر۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر اختلافی باتیں کریں، ہمارا حق بنتا ہے کہ یہاں پر جو بات بیان کر دی جائے آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ موجود ہے۔ ہاں اس وقت ظلم ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات اپنی طرف سے کرے، اپنی طرف سے کوئی بات منسوخ کرے آئمہ سے کہ امام نے یہ کہا ہے یا امام نے یہ کیا ہے، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے۔ اگر روزہ رکھا ہوا تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ کا محتاج ماننا، جیسے رسول اللہ کا محتاج ماننا۔ مگر اگر کتاب، اگر بات کتاب میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ اگر اس پر توہین اہل بیت نہ ہو، صلوات محمد معذرت چاہتا ہوں، بات تو تھی تو بہرحال میرا حق بنتا تھا کہ حقائق ہے آپ کے سامنے رکھے۔ وہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے جو اختلافی مسائل کو منبر سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات پڑھی ہے، ممکن ہے دوسرے نے وہ بات نہ پڑھی، ممکن ہے کہ ایک بات کا آپ کا علم نہیں ہے اور دوسرے فرق کو اس بارے میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کو یہاں ممبر پر آنے کے لیے سوال کرنا بالکل تمام مومنین کا حق ہے، اور جواب دینا بھی ہر علامہ کی، ہر مولوی صاحب کی، ہر ذاکر کی، اگر وہ کوئی تاریخ کی بات کرتا ہے حوالہ دینا اس پر واجب ہے، بتانا ضروری ہے تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ خود اپنی طرف سے باتیں کر کے، منسوخ کر کے پھیلاتے رہیں اور حق کو باطل سے مخلوط کر دیں، جس سے حق کی پہچان مشکل ہو جائے۔ اور دوسری بات بھی مجھے کہا گیا ہے، میں واجب سمجھتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آئے ہر جگہ کا کچھ خاص ادب ہوا کرتا ہے۔ جو معاملات گھر میں ہوتے ہیں وہ بازار میں نہیں ہوتے، جو بازار میں ہوتے ہیں وہ گھر میں نہیں ہوتے، اسی طرح جو معاملات ممبر پر، ممبر کے ہیں وہ باہر کے نہیں ہوتے، جو معاملات اس امام بارگاہ کے ہیں وہ باہر کے نہیں ہوتے۔ کم از کم، کم از کم میری مائیں بہنیں جب مجلس امام حسین میں آئیں تو آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب جناب زینب کا تذکرہ ہوگا تو سب سے زیادہ جناب سیدہ زینب کے مسائل کیا ہے کہ بی بی کو بے پردہ کیا گیا۔ یہی بات سید سجاد کو خون بلاتی رہی ہے کہ شام کے بازار میں میری کو بے پردہ تھی، سب کو چادر نہیں تھی، تو اگر کوئی رونے آئے جناب زینب کو خود اس کے سر پر چادر نہ ہو تو یہ بات خود جناب سیدہ کے دل کو دکھانے کا سبب بن سکتی ہے۔
मैंने ये भी सुना है पास हमारी माई डैडी भी कहती नजर आती है कि पर्दा जो है वो दिल में होना चाहिए, पर्दा आंखों में होना चाहिए। मैं उनके लिए अर्ज करता हूँ कि क्या जनाब फातिमा तो जहरा से ज्यादा नहीं है? क्या रसूल की बेटी के दिल में है पर्दे का एहतराम नहीं था? क्या रसूल की बेटी से ज्यादा नहीं ख्याल की खातून? अगर रसूल की बेटी मासूमा होकर पर्दा कर रही है तो मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसमें क्या मसले आते हैं ये खुद रसूल और आले रसूल जानते हैं, अल्लाह जानता है। ज्यादा ये कहना कि पर्दा दिल तो होता है, ये बात अगर ऐसा होती तो फिर आले रसूल ये फरमाते हैं अली रसूल की बेटियां सबसे ज्यादा मुस्तहिक थी, उनसे ज्यादा जमीन कौन हो सकता है? अगर उनके लिए अगर शरीयत में पर्दा है तो फिर सबके लिए हो जाता है। वहां पर आने का एक मकसद है, अगर वो मकसद पूरा ना हो फिर आने का फायदा भी नहीं है। अगर यहाँ पर आने के बाद भी इंसान अपने अंदर तब्दीली पैदा करता है, इंसान के किरदार में, इंसान की रूह में अगर कोई तब्दीली ना हो तो इसका मतलब यह है कि बस वो फकत आता जाता रहा है। जब इंसान नमाज पढ़ता है ना, नमाज के बाद वो तब्दीली महसूस करता है। अगर नमाज सही पढ़े तो ये भी तो इबादत है। अगर इस इबादत के बाद इंसान अगर अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस न करे तो उसका मतलब यह है इस तरह उसने नमाज बगैर तवज्जो से पढ़ी है, उसी तरह उसने जिक्र भी बगैर तवज्जो से पढ़ा। तो ये इस तरह हम नमाज के लिए सोचते हैं पता नहीं हमारी नमाज कबूल हुई होगी या नहीं हुई होगी। जब किसी इमाम से पूछा तो इमाम ने भी ये फरमाया कि अगर जोहर की नमाज पढ़ी है और असर तक गुनाह नहीं किया, जोहरैन की नमाज पढ़ी है मगरब पर गुनाह नहीं किया, तो उसका मतलब समझ ले कि जोहर की नमाज कबूल हो गई है। इसी तरह हमें खुद देखना है कि हम 12 दिन यहाँ इमाम बारगाह में आए हैं और 12वें दिन अगर हम खुद अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस न करें तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। जिस तरह नमाज की कबूलियत की सनद ये है कि इंसान खुद को गुनाह से बचाता है, इसी तरह आजादारी की कबूलियत का सनद यही बात है कि इंसान अपने अंदर तब्दीली महसूस करता है, तभी सनद मिलेगी। बस आजादार नसीब सौदा अजा की रातें हैं। आज उस हस्ती की शहादत का तस्करा करना है कि जब आका हुसैन को इत्तला मिली है ना कि अब्बास जमीन से जमीन पर आ गए हैं, सैयद शुहदा रो के फरमाते हैं अल्आन अनकसरत ज़हरी, अब्बास तेरी शहादत ने हुसैन की कमर तोड़ दी। अज़ादारा ने इमाम हुसैन करबला के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े खतीब आयतुल्लाह वहदी बहरुल उलूम, वो फरमाते हैं कि मैंने हरम में इमाम हुसैन में मसाइल पढ़े, मैं सो गया, रात को मैंने ख्वाब में देखा कि जनाब सैयदा तशरीफ लाई और जनाब सैयदा आके मुझे कहते हैं मेहदी बेटा। अब जरा खुद अंदाजा कीजिए उस आलिम का मकाम क्या होगा जिसे सैयदा अपना बेटा कह रहे हैं। मेहदी बेटा मैं तुझसे नाराज हूं, मखदूमा अगर आप मुझसे नाराज होंगे तो ना मेरी दुनिया बचती है ना आपको नाराजगी का सबब, हम तो मेरे बेटे की शहादत को नहीं पढ़ता। ये कहता है मैंने आज की सैयद कौन है, मैंने आज भी हरम हुसैन में आपके बेटे इमाम हुसैन की शहादत का तस्करा किया है। सैयद रोम के फरमाते हैं मेहंदी जब से आए मुबाहिदा नाजिल हुए वो तो मोहम्मद के बेटे हैं, मेरा बेटा तो अब्बास है जिसके सहारे मेरी ज़ैनब ने सफर की है, तो अब्बास की शहादत का तस्करा क्यों नहीं करता? बस अज़ादारा सैयदुल शुहदा जब आए हैं दुनिया में जनाब हजरत अब्बास, उस वक्त तक मेरे मौला ने आंखें नहीं खोली जब तक आका हुसैन के हाथों में नहीं आए। जिस तरह अमीरुल मोमिनीन अली ने अपनी तालीम में आंखें नहीं खोली थी, पहली निगाह चेहरे मुस्तफा पर पड़ी,
इसी तरह जनाब अली अलैहिस्सलाम ने अब्बास को उठाया मगर अब्बास ने आंखें नहीं खोली, जनाब ज़हरा ने उठाया मगर अब्बास ने आंखें नहीं खोली। जैसे ही आपका हुसैन के हाथों में अब्बास आए हैं ना, पहली ज़ियारत जो अब्बास ने की है वो आपका हुसैन देखते हुए, और आखिरी ज़ियारत भी हुसैन के रख नीचे रही अदादारो 40 हिजरी 19 रमजान, जब अमीर मोमिनीन को जरब लगी जख्मी हालत में घर पहुंचाया गया, मलून अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम को भी पकड़ा गया। तारीख में मिलता है कि जनाब उम्मे कुलसूम ने ये सोच कर कि जख्मी को प्यास बहुत लगती है, क्यों ना वो दूध भिजवा दूं, दूध का प्याला जो मेरे बाबा ने कल ये कहकर छोड़ दिया था उम्मे कुलसूम शायद ये दूध कल तुम्हारे काम आ जाए। अजादारा ने सैयद सुहदा दूध का प्याला आया, जैसे ही इमाम हसन दूध का प्याला लेकर आए अमीर मोमिनीन की खिदमत में पेश किया, या अमीर मोमिनीन ने आंखें खोली सामने अब्दुल रहमान ने मुझे जो अपनी जुबान अपने होठों पर फेरा, कायनात के लजबाद अली ने आका हसन से कहा, हसन ये दूध का प्याला मेरे कातिल को पिला दे, ये दूध का प्याला मेरे कातिल को पिला दे। साथ में खड़े थे हजरत अब्बास, कब्जे तलवार पर हाथ रखा, उसमें हरकत आई और रोके कहते हैं बाबा आप हुक्म करें मैं इसको सल्तनत से गुजारता हूं। जैसे ही अमीर मोमिनीन ने सुना कि अब्बास कह रहे हैं बाबा हुक्म कीजिए मैं इसको सल्तनत से गुजारता हूं, अमीर मोमिनीन फरमाते हैं हसन बेटा ये मेरे ये दूध का प्याला अब्बास के हाथों में दो। अब्बास के हाथों में दूध का प्याला आया, अमीर मोमिनीन फरमाते हैं अब्बास अपने हाथों से मेरे कातिल को दूध पिला। जैसे ही दूध का प्याला अब्बास के हाथों में आया, हाथ थरथरा रहे थे या अंदर से बीवी की रोने की आवाज बुलंद हुई, इमाम हसन गए वापस आए आगे कहते हैं बाबा बाबा ज़ैनब कह रही है मेरे गैरतमंद गाजी से दूध का प्याला ले लीजिए, ऐसा ना हो मरने से पहले मर जाए। अफसोस मलता रहा पास कि काश मुझे इजाजत मिल जाती। अदादारो एक मर्तबा 40 हिजरी का वाकया है, दूसरा 50 हिजरी का वाकया है, जब बतूर के बड़े बेटे का जनाजा चला बेगैर मुसलमानों ने अजम रिसालत नगर शुरू किया। तारीख में मिलता है 70 तीर फेंके गए, 7 तीर इमाम हसन के जिस्म में पेवस्त हो गए। जनाब अब्बास ने ये मंजर देखा दौड़ते हुए घर आए, आपने तलवार उठाई, जनाब उम्मे कुलसूम की निगाह पड़ी, आवाज देकर कहा बहन ज़ैनब वो देखिए अब्बास तलवार उठाने आए हैं। जनाब ज़ैनब ने देखा कि अब्बास तलवार उठा कर जा रहे हैं, जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर कहा अब्बास शहर ठहरो। जनाब अब्बास रुके और रुक के कहते हैं आका दादी जरा जल्दी हुक्म कीजिए। जनाब ज़ैनब फरमाती है अब्बास भाई का जनाजा लेकर गए थे, ये तलवार उठाने किस लिए आए हो? जनाब अब्बास रुक के कहते हैं आका दादी इन मुसलमानों ने आपको बेवारिस समझ लिया है, पता नहीं कैसे मुमकिन है आप तो गुलाम जिंदा हो और ये इस तरह से जनाजों पर तीर बरसाते थे। उस पर जनाब ज़ैनब फरमाती है अब्बास तलवार जरूर लेगा मगर मुझसे वादा कर उस वक्त तक तलवार चलाएगा नहीं जब तक हुसैन तुम्हें इजाजत न दे। बस अदादारो अब्बास तलवार लेकर पहुंचे, आका हुसैन की निगाह पड़ी, अब्बास के कंधे पर हाथ रखा, अब्बास तलवार नहीं चलानी, अब्बास तलवार नहीं चलानी। सारी जिंदगी को भी अफसोस मलता रहा अब्बास। फिर वो रात आई कि जब कहा गया कि अब दरिया की किनारे से खेमे हटा लिए, आका हुसैन ने आवाज दी अब्बास ये मलून कहते हैं कि यहां से खेमे हटा लिए जाए। जनाब अब्बास रो के कहते हैं आका गुलाम के होते हुए किसी की जुरत नहीं है जो खैमों पर मेरी निगाह डाले। आका अपने अकमल को रहमत मत दीजिए, आका अपने कासिम को रहमत मत दीजिए, मैं और मेरे तीन भाई मैदान जंग में जाते हैं, मैं देखता
मैंने आका से कहा उनकी जरूरत नहीं है, मुझे इजाजत दे। जनाब ज़ैनब फरमाती है अब्बास जैसे हुसैन के हैं उसको हुसैन का कहना मानो, तुम्हें तलवार उस वक्त तक नहीं चलानी जब तक आका हुसैन इजाजत न दे। बस सलाह डालो, सारी जिंदगी को मैं अफसोस मनता रहा। आखिर वो वक्त आया कि जब जनाब अब्बास ने सुना कि बच्चे आधा दस आधा दस की सजाएं लगा रहे हैं, रोते हुए आए आका हुसैन के पास, आका आका बच्चे आधा दस की सजाएं दे रहे हैं, आका अगर मैं इसी हालत में दुनिया से चला गया तो मैं अपनी माँ जहरा को मुंह क्या, आपकी माँ जहरा को मुंह क्या दिखाऊंगा। अब्बास तू भी जिंदा रहा, मेरे बच्चे भी प्यासे रहे। आका हुसैन फरमाते हैं जा अब्बास पानी का इंतजाम कर। जनाब अब्बास गए, जाकर जनाब सकीना से वसीला लिया, बीवियों को सलाम करते हुए कि मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, इसलिए कि आका हुसैन ने कहा है जाकर फकत पानी का इंतजाम करना है। आखिर आए जनाब पर जहां पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमाती, झुककर सलाम किया। जनाब ज़ैनब ने सलाम का जवाब दिया। जनाब ज़ैनब फरमाती है खैमे के अंदर तशरीफ ले आए अब्बास। अब्बास आए दो जाऊ के बल बैठे जमीन पर, सब झुका हुआ है, रो के कहते हैं आका ज़ादी गुलाम का आखिरी सलाम कबूल हो। गुलाम का आखिरी सलाम कबूल हो। जनाब ज़ैनब ने सब उठाया, अब्बास का माथा चूमा, अब्बास के बाजू चूमे और जनाब ज़ैनब रो के कहती है अब्बास मेरे बाबा ने सच कहा था, मेरे बाबा ने सच कहा था। जनाब अब्बास फरमाते आका ज़ादी आपके बाबा ने क्या सच कहा था। जनाब ज़ैनब फरमाती है एक दिन ऐसा आया कि मेरे बाबा घर तशरीफ लाए और मुझे आकर कहा ज़ैनब बेटी जरा थोड़ी सी अपने सर से चादर हटाओ, अली तुम्हारे बाबा का बोसा लेना चाहता है। मैंने अपने सर से चादर हटाई, मेरे बाबा मेरे बाबों का बोसा भी लेते थे और साथ में रोते भी जाते थे, बोसा भी लेते थे साथ में रोते भी जाते थे। मैंने पूछा बाबा रोने का सबब जान सकती हूँ, कहा यही बात होगी और मैदान करबला के बाद बाजारों से जब तू गुजरेगी तेरे सर पर चादर नहीं होगी, तेरे बालों पर मट्टी मट्टी और मट्टी होगी, हर तरफ से तेरे बाल है वो ऐसे होंगे कि दुश्मनों की निगाह तेरे बालों पर पड़ रही होगी। उस वक्त जनाब ज़ैनब फरमाती है मैंने सोचा मेरा बाबा भी सच्चा है और मेरा भाई भी अब्बास जैसा है। मैं सोच रही थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो भला वो बेपर्दा कैसे हो सकती है, मगर मैं ये भी सोचती थी मेरा बाबा सच्चा इमाम है, मेरा बाबा गलत नहीं कह सकता। बस अल्लाह आप जनाब ज़ैनब फरमाती अब्बास मेरे बाबा ने ये सच कहा था। उस वक्त जनाब अब्बास ने बस आखिरी जान तलब की, पहुंचे मैदान करबला में, अली के शेर ने खूब जंग की, ऐसी जंग की मशरिक की फौजें मगरब दौड़ गई, मगरब की फौजें मशरिक दौड़ गई। मैदान करबला में कोहराम पड़ा हुआ कि अली के शेर जंग कर रहा था। बस अल्लाह ताला तारीख में मिलता है हाकिम बिन ज़ुर्रा और शरीफ बिन हकम, सबसे पहले हाकिम बिन ज़ुर्रा ने जनाब अब्बास पहुंचे हैं पानी पर, मस्कीना पानी से भरा, बस अब यही कोशिश है कि किसी तरह मस्कीना पानी का वापस बच्चों तक पहुंचाया जाए। बस अल्लाह यह अचानक एक ऐसा बाढ़ हुआ हाकिम बिन ज़ुर्रा का कि अब्बास का दाया बाजू गलत हुआ, मुंह से आवाज निकली अकबर का सदका हो, फिर बाया बाजू गलत हुआ, फिर आवाज निकासिम का सदका हो। बस अल्लाह दारो अब जनाब अब्बास ने मस्कीना अपने मुंह में लिया, जब मस्कीना मुंह में लिया एक मलऊन ने इतनी जोर से नेजा मारा कि अब्बास अब जीन पर संभला नहीं है। बस अब मैं यहाँ पर एक सलाम करता हूँ, जब ये मंजर था ना उस वक्त जनाब सकीना पूछ रही थी अम्मा फिजा अब मेरे चाचा का आलम क्यों लगमगा रहा है, अम्मा फिजा अब मेरे चाचा का आलम क्यों लगमगा रहा है। बस आजाद आरो उस वक्त जनाब फिजा फरमाती है सकीना बेटा अब्बास के बाजू गलत हो गए हैं, जब जनाब सकीना को खबर हुई कि मेरे चाचा के बाजू गलत हो गए हैं वहीं से आवाज देकर कहती है चाचा अब्बास वापस शहर में आ जाए।
जब कोई जवान जमीन से जमीन पर आता है तो जब जमीन पर गिरता है गिरने से पहले वो अपने बाजू का सहारा लेता है। यही बात याद करके जमाने का इमाम रोके कहता है मेरा सलाम हो उस अब्बास पर जो जमीन से जमीन पर मुंह के बल आ गया। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,
शाम सहर फातिमा ज़हरा
होया करबल दे विच जुदा हाजी।
Oh,
हर चल है पौड़े शाम, अब पास आते हैं, हर चल है पौड़े शाम, अब पास आते हैं, हर चल है पौड़े शाम।
उसको ज्यारत करी। ये भी आपका है ना कैमरा? जी मैं हटा। एक सेकंड इसको स्टॉप कर दूं, बंद नहीं हुआ।